सार्वजनिक राशन वितरण के तहत मिलने वाले खाद्य सामग्रियों के संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि शासन द्वारा दिसंबर माह से होली तक सभी कार्ड धारकों को प्रत्येक यूनिट पर 5 किलो गेहूं या चावल के अतिरिक्त प्रत्येक कार्ड पर 1 किलो दाल, 1 किलो तेल और 1 किलो नमक दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया कि 90% से अधिक लोगों को खाद्य सामग्रियों का वितरण किया जा चुका है और अभी कुछ प्रक्रियाधीन है, उसे भी पूर्ण कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी वितरण केंद्रों पर नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई है और वितरण का सत्यापन कराया जा रहा है। नेफेड संस्था के द्वारा सामग्री मिलने के बाद राशन वितरण 100% पूरा कर लिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, अवगत हैं कि शासन द्वारा होली तक चना, नमक और रिफाइंड ऑयल उपलब्ध कराया जा रहा है सभी राशन कार्ड धारकों के लिए, और उसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। 90% से ज़्यादा अभी प्रेषण पूर्ण हो गया है, शेष भी अभी प्रक्रियाधीन है, अगले 1-2 दिन में वो पूर्ण कर दिया जाएगा और सभी जगह वितरण के दिन उत्सव की तरह वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है। उसके लिए परीक्षण अधिकारी लगाए गए हैं, सभी जिला स्तरीय अधिकारी और तहसील स्तरीय अधिकारियों को सत्यापन के लिए ड्यूटी लगाई गई है। प्रेषण में, उठान में कोई समस्या न हो, इसके लिए व्यवस्था की गई है और जो भी अगर कोई शिकायतें या मांग आ रही हैं तो उसको भी त्वरित रूप से तत्परता से निस्तारण किया जा रहा है। सर, कुछ केंद्रों पर वितरण नहीं हो पा रहा है? नेफेड की संस्था के द्वारा अभी प्रेषण में विलंब हुआ था 1-2 दिन का, और उसमें तत्काल हम लोगों ने शासन में बात करके उसको सुधारात्मक कार्रवाई की है और प्रेषण कंप्लीट की गई है और सभी जगह जहां समस्या आ रही है उसको तुरंत निस्तारण किया जा रहा है।